ये हैं जी अल ताज़ज ब्रो सऊदी अरेबिया में। इनकी मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसी वीडियो में। तो क्या सूरतेहाल यहाँ पर बैठकर खा सकती हैं या क्या सिस्टम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ मैं। इस वक्त ताज़ज अल ब्रोस्ट जो सऊदी अरेबिया में काफ़ी मशहूर है, अलबेक के बाद यही माना जाता है, प्राइस के लिहाज से भी काफ़ी सस्ता माना जाता है और टेस्ट के लिहाज से अलबेक के बाद ही आता है। तो भाई यहाँ पर मौजूद हूँ अभी। क्या सूरत हाल है यहाँ की, यहाँ पर क्या सिस्टम है, यहाँ पर आप बैठ कर खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, ब्रोस्ट कैसा है, तो आप भाइयों के साथ सारी डिटेल मैं थोड़ी सी वीडियो में शेयर कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं जी। जी तो देख सकते हैं आप, मैं अल ताज़ज ब्रोस्ट के अंदर मौजूद हूँ। तो बाहर आवाम की लाइन लगी हुई है जी, सिर्फ 6 बंदों को अलाउड है। अंदर आते हैं, अपना ऑर्डर बुक करते हैं, अगर यहाँ खाना है यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ खाने की सहूलत मौजूद है जी, ये मैं क्लियर करता चलूँ, आप यहाँ बैठकर खा सकते हैं। लेकिन एक जैसे ये टेबल है, इस टेबल पर 4 आदमी पहले बैठते थे लेकिन अभी 2 आदमी बैठ सकते हैं। ये सूरत यहाँ की। तो ऑर्डर दिया है जी, ये देखें जी, तो ऑर्डर दिया हुआ है। तो अभी मिलता है ब्रोस्ट, तो फिर आप भाइयों को दिखाता हूँ ब्रोस्ट भी, तो शेयर करते हैं खाते हैं और आपको टेस्ट भी शेयर करता हूँ। अभी इनके जो लेटेस्ट प्राइस हैं उनसे शायद मैं अभी आपको आगाह करता चलूँ। अगर आप साथ में पेप्सी लेते हैं जी, मिड साइज़ यानी कि दरमियानी साइज़ की पेप्सी, तो वो भाई उसके साथ आपको ये ब्रोस्ट मिलेगा जी 19 रियाल का। तो 2 मैंने लिए हैं, 38 रियाल के बने हैं। तो बस ये रेट है इसका अभी। हालाँकि पहले ये पेप्सी समेत 17 रियाल का गालबन था लेकिन अभी थोड़ा महंगा कर दिया गया है। तो देखते हैं जी आगे चलते हैं, फिर मिलता है क्या मिलता है, यहाँ बैठकर खाते हैं, सब बताता हूँ आपको। आप इसके बात करने स्पेसी लिए हैं जी मैं, तोड़ने सर ये देख लें जी, आपको मैं स्पेसी दिखा रहा हूँ, आप देख लें जी। अच्छा एक चीज़ है, ये करना है जो थोड़ा जो पीस। अच्छा एक चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये है कि इसमें ना मिर्ची का इस्तेमाल तो किया गया है लेकिन साथ में ना काली मिर्च का इस्तेमाल किया गया, देख लें आप, जो कि अच्छी चीज़ है यार। काली मिर्च का साथ में इस्तेमाल किया गया है, मुझे तो ये अच्छी चीज़ लग रही है। KFC का मुकाबला तो नहीं करते हैं लेकिन KFC जैसी लुक ज़रूर दे रहे हैं, तो टेस्ट में भी अच्छा है जी। आप अगर ताज़ज का ब्रोस्ट आपने खाया हुआ है, बहुत से भाइयों ने जो सऊदी अरब में खाया होगा उनको तो पता होगा जी, माशाल्लाह आप टेस्ट अच्छा है इनका, मैंने थोड़ा चेक किया है। तो अलबेक जितना बड़ा तो नहीं है ये, तो आप सब भाई को पता है। पेप्सी साथ में मिल रही है, मिड पेप्सी मिडल साइज़ की, तो इस समय तो मैंने आपको बता दिया जी 19 रियाल का है। तो ब्रोस्ट की तरफ करना यार थोड़ा, बहुत इन साथ में लेसन है जी ये ताज़ज वालों का। तो ये खुबज है जी साथ में दी उन लोगों ने इसके अंदर बंद करके, और ये एक अच्छा काम कर रहे हैं ये ताज़ज वाले, इधर लगा रहे हैं खुद लगा रहे हैं अंदर ताज़ा बिल्कुल, और आपको साथ में काफ़ी ज़्यादा पीस मिल रहे हैं। अगर आप अलबेक की तरफ बात करेंगे तो थोड़ा मोबाइल ऊपर कर लें, हाँ अलबेक की बात करें तो अलबेक वाले अभी आपको एक बंद दे रहे हैं साथ में, उससे ज़्यादा अगर आप मांगेंगे तो आप वो बोलते हैं पैसे दो, लहसन आपको एक या दो पीस देते हैं बस, इससे ज़्यादा मांगेंगे तो वो बोलते हैं पैसे दो। तो ताज़ज वालों को मैंने बोला है लहसन ज़्यादा दे दो, लहसन भी ज़्यादा दिए हैं और खुबज की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अच्छा है यार, अभी मैं खाता हूँ फिर आप भाइयों के साथ थोड़ी वीडियो और शेयर करता हूँ, ठीक है।